तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री का प्रश्न रसायन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही तथा द्रव वैद्युत क्लोराइड किसे कहते हैं। ये क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013, 14, 17, 18 और 20 में पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखते हैं पहले द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही सॉल, यानी कोलाइड विलयन को ही हम सॉल कहते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड, तो देखिए द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं। द्रव का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे पानी हो गया, या मतलब कि द्रव यानी द्रव अवस्था में पानी की तरह यानी कि बहने वाला हो, तो वही है द्रव। तो द्रव मतलब पानी हो गया एक प्रकार से मान लीजिए, या जल। और स्नेही, स्नेही का मतलब समझ रहे हैं प्रेम, यानी कि स्नेह मतलब अपने पास बुलाए। तो वही है कि द्रव स्नेही में क्या होता है कि पदार्थ जो जल के साथ मिल करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके एक एक उदाहरण दीजिए, हमको उदाहरण भी देना है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप देखिए गोंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंद, या आपका जिलेटिन हो जाएगा। तो देखिए द्रव स्नेही कोलाइड एक बार और समझिए कि वे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर के कोलाइड विलयन बना लेते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। या वे पदार्थ जो जल के साथ आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, हम उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। कि ये बात आती है कि द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखिए द्रव विरोधी कोलाइड तो समय वे पदार्थ जो जल के साथ अब देखिए, द्रव का मतलब तो वही पानी हो गया, तरल पदार्थ, लेकिन जो विरोधी का मतलब कि वो जल के मतलब कि इसका विरोध करता है, यानी जल से क्रिया ही नहीं करता। तो वे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, जब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जल का विरोध करता है, द्रव विरोधी, ये जल का स्नेह यानी कि अपने पास बुलाता था, यानी कि प्रेम करता था उससे, तो द्रव स्नेही था, तो उसमें क्या करता था, मिल करके कोलाइडी विलयन बना लेता था, लेकिन ये द्रव विरोधी है यानी जल का विरोध करता है। तो वे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं द्रव विरोधी कहते हैं, या द्रव विरोधी कोलाइड। एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लेटिनम या गोल्ड सॉल। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं। तो एक बार इसको और देखते हैं कि द्रव का मतलब कि तरल पदार्थ, और स्नेह का मतलब कि जो प्रेम करे। तो वे पदार्थ जो जल के साथ मिलकर के आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कर देंगे, जैसे गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया। और द्रव विरोधी कोलाइड तो वे कोलाइड जो जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, यानी कि जल का विरोध करते हैं, विरोधी है तो जल का विरोध करते हैं। तो वे पदार्थ जो जल के साथ मिलाकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कहलाते हैं। एग्जांपल आपका प्लेटिनम या गोल्ड सॉल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह पूरा समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।